हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे द कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हमने अभी तक एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका से भी कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो हमारे अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे UPPCS हो, चाहे सिविल सर्विस के सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल एक करोड़ 77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। तो ये विश्व का चौथा महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पनामा जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल प्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणी सिरा हार्न अंत रीप है। दक्षिणी अमेरिका देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो देश ब्राज़ील है, उसकी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिकी के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिका, जिसकी ऊंचाई 3,811 मीटर ऊंचाई पर है, यह बोलिविया पठार पर स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, तो विश्व की सबसे नौकायन झील कहाँ पे है? ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, जिसका नाम टिटिका झील है, जो जिसकी ऊंचाई 3,811 मीटर है, यह बोलिविया पठार पर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिका झील है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी जो है, अगर उसका अपवाह क्षेत्र में देखा जाए, अगर उसकी ब्रेथ में देखा जाए, तो सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। और वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। लेकिन अगर चौड़ाई में देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भाग और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार विनियोग है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलूका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलायर्ड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पंछी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टूकन अमेजन में पंछी, अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पंछी है। वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 979 मीटर है। यह गुयाना पठार में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना है, जो कि वेनेजुएला में है, कैरो नदी के पास।
कैरो नदी पर स्थित है। ये गुयाना के पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेड ला सलाडो इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास। सिल्वास किससे संबंधित है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक घास की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। इंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटेना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पंछी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पंछी है। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पंछी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पंछी है। रीवा ना उड़ सकने वाली पंछी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह, जैसे अफ्रीका में शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया का एमू नहीं उड़ पाता है, उसी तरह दक्षिण अमेरिका में रिया नाम का पंछी नहीं उड़ पाता है। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। इंडीज पर्वत माला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने के काम आता है। ग्वान को एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फजेंडा ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। तो फजेंडा कहाँ पे? ब्राजील में, जो कि रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महादेश के बोलविया राज्य की राजधानी लापास विश्व की सबसे ऊंचाई समुद्र तल से 3,658 मीटर पर स्थित राजधानी है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? बोलविया राज्य की राजधानी लापाज है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना ब्राजील और पेटागोनिया के पठार हैं। तो इस महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना ब्राजील तथा पेटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो पंपास कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में फैला है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय पंपास, तो इसको याद कर लीजिए। टीना पास पंपास को आप जानते हो, टीना डाबी को, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया था। तो टीना पास याद कर लीजिए। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं पाई जाती हैं। ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। तो दक्षिण अमेरिका का में ब्राजील जो है वो सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। तो फजेंडा किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के
कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक देश है, विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चिली का चुकी कमाता ताबा खान, चिली का चुकी कमाता ताबा खान दक्षिणी अमेरिका में के इंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व का तांबा की राजधानी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैगजीन उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैगजीन की सबसे बड़ी खान है। इटावीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। इटावीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिणी अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला है और कोलंबिया तथा सर्वाधिक उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो सबसे पर्वतों की सबसे लंबी माला कौन सी है, तो सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है लंबाई में अगर देखा जाए तो एंडीज, एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो 6960 है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज की उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के उत्तर पश्चिम में है, दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कहाँ पे है, उत्तरी चिली में अरिका में, अरिका। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टासिया और सिया यहाँ के पशुपालकों को ग्वाको कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है, यहाँ वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अटाकामा में क्या पाया जाता है, नाइट्रेट, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है, मध्य चिली। दक्षिणी अमेरिका का शुष्क मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राजील का संतोस बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का संतोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलिविया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। बोलिविया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप, ओलिवर रिडले टर्टल का सर्व प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं।
जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद को ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। अब हम दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी राजधानी को याद कर लेते हैं। वैसे इसमें बहुत कम देश हैं, तो इसके जितने भी देश होते हैं और इनकी राजधानी हम आसानी से याद कर लेंगे। ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। चिली, चिली की राजधानी सांतियागो, चिली की राजधानी सांतियागो। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी पारा मरीबो, सूरीनाम की राजधानी पारा मरीबो। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। त्रिनिदाद व टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। पेरू, पेरू की राजधानी लीमा। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। गुयाना, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। पाराग्वे, पाराग्वे, पाराग्वे की राजधानी आसनसियान। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। अरूबा, अरूबा की राजधानी ओरेंज स्टेट, अरूबा की राजधानी ओरेंज स्टेट। बोलिविया, बोलिविया की राजधानी लापास, बोलिविया की राजधानी लापास। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयने। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। चिली, चिली की राजधानी सांतियागो, चिली की राजधानी सांतियागो। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी पारा मरीबो, सूरीनाम की राजधानी पारा मरीबो। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी काराकस, वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। त्रिनिदाद व टोबैको की राजधानी त्रिनिदाद व टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। पेरू, पेरू की राजधानी लीमा। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। गुयाना, गुयाना की राजधानी पोर्ट स्पेन। जॉर्ज टाउन, गुयाना की राजधानी, सॉरी जॉर्ज टाउन। पाराग्वे, पाराग्वे की राजधानी आसनसियान। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। अरूबा, अरूबा की राजधानी ओरेंज स्टेट। बोलिविया, बोलिविया की राजधानी लापास, बोलिविया की राजधानी लापास। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयने। तो इस प्रकार इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो विश्व में जितने भी देश होते हैं और उनकी राजधानी आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो विश्व के जितने देश हैं और जितने कॉन्टिनेंट हैं और उसमें जितने देश हैं, उन सबकी राजधानी आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जब भी खाली समय रहे, कान में लीड लगा करके आप आसानी से इन सबको पढ़ सकते हैं। तो आपको 24 घंटे, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि 24 घंटे आप पढ़ाई में लगे रहिए। और जब तक बुक रहे, बुक पढ़ते रहिए। उसके बाद अगर किसी काम में लग गए हैं तो फ़ोन जेब में रख लीजिए और कान में ईयरफोन लगा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह से जितनी भी लूसेंट में जानकारियाँ दी गई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब जानकारियों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।